शिमला के कृष्णनगर में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों ने जरूरतमंदों को दूध व बिस्किट वितरित किए। संस्था कर्फ्यू के दौरान प्रशासन के साथ मिलकर लगातार जरूरतमंदों की सहायता कर रही है। शुक्रवार को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों ने शिमला के कृष्णनगर में जरूरतमंदों को दूध व बिस्किट वितरित किए। संस्था द्वारा जरूरतमंदों खासकर प्रवासी मजदूरों को लगातार राशन भी वितरित किया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्य अनूप वैद्य ने बताया कि संस्था द्वारा कृष्णानगर में 5 साल से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें दूध व बिस्किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्था लगातार इन लोगों तक जरूरी चीजें पहुँचाती रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा ना रहे, इसके लिए संस्था जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन लोगों के लिए राशन मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्यों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। अनूप वैद्य ने कहा कि इसमें जरूरतमंदों और गरीबों की मदद संबंधी जानकारी शेयर की जा रही है। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जब से ये महामारी बीमारी जो सी है पूरे विश्व के अंदर आपने देखा है कि इसका प्रकोप हुआ है, जब से हमारे शिमला के अंदर भी लॉकडाउन हुआ है, ये संस्था के जो से कार्यकर्ता अपने इंडिविजुअल लेवल पे और संस्था ने एकजुट होकर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने शिमला के शहर के अंदर जो भी अपने दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो कि सुबह कमाकर शाम को अपना गुजर बसर करते हैं, उनके लिए हमने अपना काम जो भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो देना स्टार्ट कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के हमारे पास 3 वार्ड आए हैं, छोटा शिमला से लेके कच्ची घाटी तक। उसके अंदर पिछले हफ्ते से लेकर हम यानी कि कल से हमने इसी एरिया को डिफाइंड करते हुए यहाँ पर राशन बांटा है। और साथ में देखा कृष्णानगर के अंदर यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है बिट्टू पांडा जी और रजनी जी ने मिलकर हमारे को बताया कि यहाँ पर हमने ऐसे परिवार इनके माध्यम से चिन्हित किए हैं जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं और या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, इनको एक न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। तो संस्था ने बीड़ा उठाया है कि अगर इनके अभी कृष्णानगर इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर भी हमको ऐसे परिवार मिलते हैं या इसके अलावा कोई और भी गरीब परिवार हमको दिख रहा है जो कि माल न्यूट्रिशन का से पीड़ित है, हम उन सबको यानी कि दूध और रस्क ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और संस्था का प्रयास रहेगा जहाँ तक हो सका हम हर रोज आकर इधर इनको अपना ये कंट्रीब्यूशन है हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब पूरे के पूरे जो हमारे को वार्ड दिए हैं उधर अपना पटवारी इन्होंने लगाया कि जो से वाकई में नीडी परिवार हैं उन तक ही राशन पहुँचे। ये भी देखने में आया बहुत सारे लोग किसी अफवाहों की वजह से अपना घर 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 में राशन भरना शुरू कर दिए हैं ताकि वो लोग भी अपने जो से अशर्त जो शरारती तत्व हैं वो इसमें ना आए। तो वैसे ही देखें, हमने अपना ऑनर्स लेकर संस्था ने एक निर्णय लिया है, हमने खुद यानी कि कार्ड यानी कि आवंटित किए हैं, हमने जो से चिन्हित परिवार हैं उनको यानी कि कार्ड दिया है, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके कार्ड लेके आएगा उसको कार्ड के आधार पर यानी कि हम उनको अपना दूध है वे वितरण कर दिया करें। अगर शहर के अंदर कहीं पे भी किसी को ऐसे परिवार दिखते हैं वो संस्था के किसी भी वॉलंटियर के साथ हमारे साथ अपना संपर्क करें तो हम उस तक जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम उनको पूरी सहायता पहुँचाने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।